Example 16, integral of x square plus x plus 1 divided by x plus 2 into x square plus 1. ये हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमिनेटर की 2 है, तो डिवाइड हम नहीं कर सकते. इसके लिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम निकालते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिस इज a अपॉन एक्स प्लस 2, क्योंकि एक्स प्लस 2 एक लीनियर फैक्टर है तो a हमने एक कांस्टेंट लिया. अब इसके जो फैक्टर होंगे, क्योंकि इसे पूरी तरह फैक्टराइज नहीं होगा, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसमें फैक्टराइजेशन बी एक्स प्लस सी लेते हैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो अब हम एलसीएम लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिस इज a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2. केवल एक ही लीनियर फैक्टर है एक्स प्लस 2, उसको जीरो कर देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा. माइनस 2 इसमें एक्स इक्वल टू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू दिस इज माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो गया 4 माइनस 2 2 और 2 1 3, तो 3 अपॉन 5 आ गया. तो a की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 3 अपॉन 5 आ जाएगी. अब हमारे पास लीनियर फैक्टर सब खत्म हो गए, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे. तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पहले हम कंपेयर करते हैं. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा a हो जाएगा और इधर से हमें b मिल जाएगा. तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया. तो डायरेक्टली हम b की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस a, 1 माइनस 3 अपॉन 5, 5 माइनस 3 2 बाई 5. तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 बाई 5. इसी तरह से हम x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे हमारा जो x का कोफिशिएंट, देखिए bx का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2b हमारा कोफिशिएंट 1 मिलेगा, और प्लस c का भी मल्टीप्लाई x में होगा तो c मिल जाएगा. अब b की वैल्यू आपको पता है, सो c इक्वल टू 1 माइनस 2b हो गया, और b की वैल्यू हम रख देंगे 1 माइनस 2 इंटू बी, दैट इज 1 माइनस 4 अपॉन 5, और 1 माइनस 4 अपॉन 5, 5 वन जा 5 माइनस 4 1 1 बाई 5. तो अब हमारे पास a की वैल्यू हमें मिल गई a की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 3 अपॉन 5, b की वैल्यू हमें मिल गई 2 अपॉन 5 और c की वैल्यू हमें मिल गई 1 अपॉन 5. ए बी सी तीनों की वैल्यू हम मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी. तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन दैट इज 3 बाई 5 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी. देखिए बी एक्स प्लस सी क्या हुआ, हम इसको लिखेंगे बी एक्स 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. अब हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स, दिस इज 3 बाई 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस 1 ओवर 5 इंटीग्रेशन दिस इज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब हम जब इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको i1 ले लेते हैं, इसको i2 ले लेते हैं. तो i2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास देखिए ऊपर हमारा 2x प्लस 1 है और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमें इंटीग्रेट करना, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे. तो i2 को अलग से कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज 1 ओवर 5 2x अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट कर लिया, और प्लस 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 5 भी बाहर है तो 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स. अब ये तो tan इनवर्स बन गया और ये हमारा सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन. तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो 2x dx रिप्लेस हो जाएगा dt से. तो 1 अपॉन 5 दिस इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मॉडुलस लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 1 अपॉन 5 और ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x. ये हमारी i2 की वैल्यू आ गई. i1 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी. तो फाइनल आंसर हमारा होगा 3 अपॉन 5 दिस इज log ऑफ x प्लस 2 प्लस ये हमारा i1 हो गया और i2 की वैल्यू हमारे पास ये होगी, दैट इज 1 अपॉन 5 दिस इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 and plus 1 over 5 tan inverse x plus a constant of integration.